नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। विमान सेवाओं का लाभ लेने की इच्छा हर किसी की होती है। आपका मन भी जरूर करता होगा कि आसमान की ऊंचाई पर से जमीन को देखे, बादलों के बीच में सफर करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचे। हालांकि कुछ लोगों के लिए तो इस शौक को पूरा करना आसान होता है, क्योंकि उनकी आमदनी ऐसी होती है कि वो आसानी से विमान से सफर कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये ख्वाब की तरह होता है, क्योंकि विमान में सफर करने का किराया ही इतना अधिक है कि कई लोग ट्रेनों के सफर पर रुख करते हैं। ऐसे में ये सवाल उठना भी लाजमी है कि जब सफर चंद घंटों का ही होता है तो क्यों विमानों का किराया आसमान छूने वाला है। ऐसे में आज हम आपको विमान टिकट के महंगे होने के पीछे के कुछ कारणों को बताने वाले हैं, जिससे आपके लिए भी ये समझना आसान होगा कि विमानों के किराए में वृद्धि का मूल कारण है क्या। इतना ही नहीं, आज हम आपको यह भी बताएंगे कि आपके द्वारा भुगतान किए गए धन का उपयोग आखिर किया कैसे जा रहा है। तो हम आपको बता दें कि टिकट में आपसे सबसे पहले UDF लिया जाता है। उड़ान शुल्क में यह सबसे आम शुल्क है। यह हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के लिए यात्रियों से शुल्क लिया जाता है। ये उस शुल्क हवाई अड्डे पर निर्भर करता है जहाँ से आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अगर इस बात को हम ऐसे समझे कि दिल्ली हवाई अड्डे से यात्रा शुरू करने वाले यात्री के लिए UDF शुल्क 63 रुपए है, वहीं मुंबई से शुरू होने वाले यात्रियों के लिए यह 142 रुपए है। इसके बाद आता है एयरलाइन ईंधन शुल्क। इसमें ग्राहकों को उच्च ईंधन लागत प्रदान करने के लिए एयरलाइन यात्रियों से आधार किराए के अलावा एयरलाइन ईंधन या फिर ईंधन अधिभार की वसूली की जाती है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन ने बढ़ती ईंधन लागत को दर्शाने के लिए अप्रैल 2021 से ईंधन अधिभार लागत वसूलना शुरू कर दिया है। इसके बाद होती है CUTE शुल्क की वसूली। इसे यात्री संचालन शुल्क PHF भी कहा जाता है। यह हवाई अड्डे पर सेवाएं प्रदान करने के लिए शुल्क लिया जाता है। यह उस हवाई अड्डे पर भी निर्भर करता है जहां से आप प्रस्थान कर रहे हैं, और ये प्रति यात्री से 50 से 100 रुपए के बीच में वसूला जाता है। इसके बाद होता है RCS शुल्क। सरकार की तरफ से विमानों के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना की शुरुआत की गई थी। अगर आपको ये नहीं पता तो हम आपको बता दें कि ये योजना अछूते क्षेत्र में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को फंड देने में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अधिकांश हवाई अड्डों से प्रस्थान करने वाले यात्रियों पर RCS शुल्क लगाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत आने वाले हवाई अड्डों के विकास के लिए हर यात्री से लिए जाने वाले 50 रुपए के शुल्क का उपयोग होता है। इसके बाद है PSF यानी कि यात्री सेवा शुल्क। ये शुल्क हवाई अड्डे की सुरक्षा और हवाई अड्डों पर यात्री सुविधाओं पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए लगाया जाता है। ये केवल कोची, दिल्ली और बैंगलोर जैसे विशिष्ट हवाई अड्डों से प्रस्थान करने वाले यात्रियों के लिए लिया जाता है, और यह 83 रुपए से 236 रुपए की सीमा में रहता है। इसके बाद होती है यात्री सुरक्षा शुल्क की वसूली। ये शुल्क यात्रियों से हवाई अड्डों पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए CISF कर्मियों की तैनाती के भुगतान के लिए किया जाता है, जिसके तहत ही सभी हवाई अड्डों पर प्रति यात्री 236 रुपए का शुल्क लिया जाता है। हालांकि हम आपको बता दें कि ये शुल्क आधार किराया और इंटरनेट हैंडलिंग शुल्क के अतिरिक्त है, जिसका उपयोग आप टिकट शुल्क और अन्य करों को बुक करने के लिए करते हैं।